जय हिंद। आज की प्रेस ब्रीफिंग दो तीन मुद्दों पर है, जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट एक मुबारक का है। मैं उधमपुर वासियों को मुबारक देना चाहती हूं कि हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर टेलीमेडिसिन की सुविधा के साथ आप लोगों के सामने आ गया। रजिस्टर हो चुका है, ट्रेनिंग्स हो चुकी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लग चुका है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज की तारीख में हम लोग रियल टाइम पेशेंट्स के साथ हमारी कंसल्टेशंस जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। टेलीमेडिसिन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को एमपीलैड फंड्स के माध्यम से प्रदान की गई, जिसके लिए हमें टोटल 32 लाख रुपया आ चुका है। इसके तहत हम तीन हिस्सों में इसको बांटेंगे। सीएचसी पीएचसी लेवल में भी टेलीमेडिसिन की सुविधा जो है वो उसकी ट्रेनिंग्स चल रही हैं, और इसकी जितने भी लोग इसकी इस सुविधा इस फैसिलिटी का फायदा लेना चाहते हैं, उन सारों को ज्यादा से ज्यादा इसका जो है फायदा मिले, इसके लिए बुंजा ऐसे पॉइंट्स तैयार किए जा रहे हैं। ट्रेनिंग्स एट द लोअर लेवल हैव स्टार्टेड, और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि टेलीमेडिसिन की सुविधा उधमपुर में बहुत अच्छे से ग्राउंड लेवल पे काम करना शुरू कर देगी। इसी सुविधा के साथ सोशल मीडिया में हमें एक सुझाव आया कि दवाइयां भी उस लेवल पर, जो भी दवाइयां हमारे कंसल्टेंट्स उस टेलीमेडिसिन के थ्रू पेशेंट्स को बताएंगे, वो सारी दवाइयां भी, उनमें से मैक्सिमम दवाइयां ग्राउंड लेवल पे गांव में उपलब्ध कराई जाएं। मेरी पूरी कोशिश है कि अगले 20-25 दिनों में मैं जेनरिक दवाइयां आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी, जिससे कि गरीब आदमी भी अच्छे से अच्छी दवाई का फायदा उठा सके। टेलीमेडिसिन के फायदे क्या हैं? पहला फायदा कि आपको आने जाने का खर्चा नहीं उठाना पड़ेगा। आप बहुत दूर से अगर बात करना चाह रहे हैं, बहुत रिमोट एरिया से अपनी बातचीत जो है डॉक्टर के साथ करना चाह रहे हैं, एक दिन पहले आपको स्लॉट अप्रूव करवाना है। स्लॉट अप्रूव यानी कि आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेंगे, आपका किराए का जितना भी खर्चा है वो खत्म हो जाता है। दूसरा, बहुत अच्छे डॉक्टर, सीनियर नामी गरामी डॉक्टर्स आपकी बात सुनने वाले हैं, तो उससे डॉक्टर्स की जो कंसल्टेशन फीस है वो खर्चा भी आपको नहीं उठाना पड़ेगा। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज कि अब ऐसी कई लोग जो कि कोविड के की महामारी के चलते उधमपुर तक नहीं पहुंच पाए, वहां भी आपकी मेडिसिन की सुविधा जो है वो हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हो गई पहली बात। दूसरी चीज, मैं एक ऐसा मुद्दा आपके साथ टच करना चाह रही हूं जो कि आज की तारीख में बहुत सारे लोगों को इसको फेस करना पड़ रहा है, वो है मेंटल हेल्थ इश्यूज। कोविड के चलते पिछले 1-1.5 साल से हम इस महामारी से जूझ रहे हैं, इसके चलते बहुत सारे लोगों को बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ रहा, आर्थिक नुकसान, बहुत सारे लोगों के प्रियजनों का नुकसान, और इससे भी ज्यादा एक मोनोटनी दिमाग में घर कर गई है, फ्रस्ट्रेशन, और बहुत सारा जो आगे आने की, आगे फ्यूचर की जो अनसर्टेनिटी है वो हमारे दिमाग में जो है वो घर कर रही है। हमारे डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया है जिसके तहत हम मेंटल हेल्थ इश्यूज, हमारे अपने, हमारे लोकल उधमपुर के गवर्नमेंट डॉक्टर्स उसको डील करेंगे। पिछले 2 हफ्तों से हमारा ये सेशंस फेसबुक पे, ट्विटर पे आपको एक लिंक के प्रति मिल रहा है, जिसमें कि हमारी डॉक्टर्स ने बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स उठाए हैं कि कोविड के दौरान अपनी मानसिक स्थिति जो है उसको कैसे हेल्दी रखा जाए। एक स्टेप आगे जाते हुए अब हम ये करने वाले हैं कि इन डॉक्टर्स का फेसबुक लाइव सेशन आपके साथ शुरू करेंगे, ताकि वो लोग जो मानसिक परेशानी से जूझ रहे हैं, जिनको किसी को बात करने के लिए नहीं मिल रहा, जिनको किसी तरह का उत्तर उनको चाहिए, उसको डॉक्टर्स डील करेंगे। सो ये एक इनिशिएटिव डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी उधमपुर की तरफ से फेसबुक लाइव फॉर मेंटल हेल्थ इश्यूज शुरू होने वाला है। इसके अलावा हमने आईएसएम आयुष डिपार्टमेंट की मदद से योगा सेशंस पिछले 16-17 दिनों से हमारे डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। ये वो योगा आसन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक हमारे अपने सरकारी मुलाजिम जो हैं आपको सिखाते हैं, जिसमें कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से लेके पूरा अपना जो योगा, जितने भी आसन हैं वो उसमें इन्वॉल्व किए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कोविड ने हमें सिर्फ हेल्थ से, हमारी फिजिकल हेल्थ से नुकसान नहीं पहुंचाया, हमारे सोचने का, हमारा थॉट प्रोसेस भी उससे इम्पैक्टेड है। सो दिस इज एन इनिशिएटिव, बोथ द इनिशिएटिव्स आर गोइंग ऑन वेरी फाइन, बहुत लोग जो हैं हमें फॉलो कर रहे हैं,
मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको ज्यादा से ज्यादा पॉपुलर किया जाए। ये तीनों मुद्दे जो मैंने अभी आपके साथ कहे, ये बहुत सेंसिटिव नेचर के मुद्दे हैं। मेरी रिक्वेस्ट सभी से है कि कोशिश करिए कोविड की पॉजिटिविटी को कम से कम रखा जाए। आज की डेट में भी हमारी पॉजिटिविटी 3.8 है, इसका मतलब आज भी 30 से 40 केसेस पर डे आ रहे हैं। सो मेरी रिक्वेस्ट सबसे है कि अगर आपके घर में एक कमरा है, आपके घर में एक ही टॉयलेट है जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं, सो मेरी रिक्वेस्ट सबसे है स्पेशली रूरल एरिया से कि कोशिश करिए कि हमारे कोविड केयर पंचायत आइसोलेशन सेंटर्स में भर्ती हो जाएं, वहां पर खाना और इलाज मुफ्त है। अपने प्रियजनों की के इलाज के लिए, अपने प्रियजनों की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है कि आप अलग हो जाएं, आइसोलेट हो जाएं। थैंक यू, जय हिंद।